वो सब कुछ हमारे अंदर है, वो जो उनमें है वही हमारे अंदर है। तो मैं समझती हूँ कि इन बातों पे भी अगर बहुत काम हो तो कुछ ना कुछ हमें देश को ऊपर लाने में बहुत मदद मिलेगी। हम जो बैठ के, मैं जब से मैंने कमीशन ज्वाइन किया, बड़ी सेमिनार्स होती हैं, बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, तो मैंने आशुतोष जी एक दो जगह कह भी दिया, मैंने कहा इन सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस का फायदा जब है जब आप इन फाइल्स को घर जाके अनफोल्ड करें। यहाँ आप आए हैं, चार बातें मैंने बोली, आपने लिख के उसको रख दिया अंदर, लेकिन ग्रास रूट पे जब तक काम नहीं होगा तब तक काम नहीं चलेगा। और मैं मेरे यहाँ के पत्रकारों से भी कहती हूँ कि सही खबर अगर मैंने गलत किया है तो वो भी छापो, मेरे बेटे ने गलत किया है तो वो भी छापो, लेकिन इस तरह से खबर को मत रोको कि किसी ने आपको कोई प्रलोभन दे दिया और आपने खबर को रोक दिया, ये बहुत गलत। उसमें बिल्कुल स्वच्छता होनी चाहिए, स्वच्छंदता होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए कि जो खबर है वो सही रूप से सामने आए। मैं समझती हूँ कि ये बहुत ज्यादा जरूरी हमारे लिए है। आज आप सबने मुझे बुलाया है, सम्मान दिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपके आभारी हूँ, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और सभी के लिए, हमारे लिए जो यंगस्टर्स बैठे हैं, मैं देख रही हूँ आज बहुत यंगस्टर्स भी हैं, उनके लिए एक छोटी सी बात कहकर अपनी बात को खत्म करूंगी। कभी महक की तरह हम गुलों से खिलते हैं, कभी महक की तरह हम गुलों से खिलते हैं, कभी धुओं की तरह हम पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैंचियां उड़ने से हमें क्या खाक रोकेंगी, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ान भरते हैं। आपने तो वाकई, मुझे ऐसा लगा कि शायद इस मंच से कविता पढ़ने वाला मैं अकेला हूँ, लेकिन मुझे खुशी हुई कि हमारे मुख्य अतिथि ने भी कविताओं का जोर पकड़ा और इतनी सारी बातों में इतनी सारी चीजें कह डाली। मैं यहाँ पे सिर्फ दो शब्द जोड़ना चाह रहा हूँ कि मार्बल स्टूडियो के बैनर तले हम लोग इस वक्त 10 स्कूल चला रहे हैं नोएडा में, जो गरीब बच्चों के लिए है, 10 डिफरेंट सेक्टर्स के स्लम्स में, और हम लोगों ने 8 बच्चों से शुरू किया था। इस वक्त 340 से भी ज्यादा बच्चे फ्री एजुकेशन ले रहे हैं और उनको हर चीज वहां पे मुहैया कराई जा रही है, चाहे कपड़ा, चाहे लत्ता, चाहे कॉपी पेंसिल, चाहे टीचर्स, चाहे स्कूल का पूरा वातावरण। तो मैं आपकी बात से फिर प्रभावित होकर यहाँ सभी से निवेदन कर रहा हूँ कि कोई इस कार्य के साथ जुड़ना चाहता हो तो बेधड़क करके जुड़ सकता है, इसमें आपका कुछ जाएगा। जी हाँ, मैं इससे पहले कि हरीशचंद्र जी से निवेदन करूं कि वो ऑफिशियली वोट ऑफ थैंक्स पे करें, मैं दो लाइनें जरूर फरमाना चाहता हूं कि विभासित कर गगन भूतल, तिमिर को ज्योति देता चल, निराशा के अंधेरे को मिटा दे ले प्रभंजन बल, कहीं पूनम अमावस्या, कहीं उलझन, कहीं फिसलन, कहीं कांटे, कहीं पहरा कटिल बंधन, यहाँ प्रतिकूल है सब कुछ, कहीं मरुस्थल कहीं बादल, मगर तू मुस्कुराता चल, दिशाएं हो उठे उज्जवल, मगर तू मुस्कुराता चल। धन्यवाद संदीप जी। मैं, मेरे पास शब्द नहीं है कुछ कहने के लिए आपके लिए, लेकिन ये सारा कुछ आपकी वजह से, आपकी शुभकामनाओं की वजह से ही हो पाया। और मैं सबके सामने एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो कहानियाँ हैं और जो भी किताबें मेरी आई हैं हाल के दिनों में, उसमें मेरी पत्नी सुष्मिता और श्रीशु का बहुत योगदान है, क्योंकि पिछले 4 महीने में मैं 4 घंटे भी इनको नहीं दे पाया, तो दफ्तर के बाद फिर इन चीज़ों में उलझा रहा, वो नाराज़ भी होते हैं, लेकिन उनकी वजह से आया। मेरी दीदी का भी बहुत योगदान है, और इसके अलावा ममता आंटी को थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि अपना कीमती वक्त निकाला। नकवी सर हैं, आशुतोष सर हैं, आप सबको पता होगा न्यूज़ चैनल में कितना, मतलब वक्त निकालना बहुत मुश्किल होता है। दोनों आए, अजीत जी भी आए, राणा जी साथ में हैं,
और तेजेंद्र लूथरा जी के मतलब वो भी कई बैठक में इन्वॉल्व थे, लेकिन बावजूद इसके वो आए। डॉक्टर मलिक से बहुत गहरा नाता है, उन्होंने भी समय निकाल करके वो यहाँ पर आए। अरुण जी हैं, और इसके अलावा जिन लोगों का नाम लेना चाहूँगा, सईद अंसारी जी हैं, सुनीत मधुर, आलोक, प्रदीप, सुरीन, इरफान, दुग्गर जी हैं, अशोक राज, एस के वर्मा जी हैं, सहारा वैसे प्रोडक्शन हेड हैं और समय निकाल कर हमारे लिए आए, अनिशा पुष्कर जी, और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों बहुत अच्छा लगा, आगे लिखने की कोशिश करूँगा। यहाँ मंच पर बैठे हुए जितने भी सारे के सारे बहुत वरिष्ठ हैं, मैं बहुत छोटा हूँ, मतलब इनके साथ बैठना या खड़ा होना भी मेरे लिए बहुत मतलब सौभाग्य की बात है। और मैं कोशिश करूँगा कि जो भी सबने कहा हमारे दिग्गजों ने, वो उसका पालन करूँगा, उसे लिखने की कोशिश करूँगा। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। वही चीजें बाकी लोगों में भी अगर एक फीलिंग आती है तो एक पॉजिटिव मैसेज आता है। मैं ये नहीं कह सकता कि इन कहानियों से समाज बदल जाए, लेकिन इन कहानियों से आपके अंदर का जो मन है वो उत्तेजित हो उठेगा, आपको गुस्सा आएगा। और किसी भी चीज़ के लिए, मतलब किसी भी मुद्दे को बदलने के लिए, बहुत जरूरी है कि आपका मन पहले उत्तेजित हो,
सबसे पहले उन घटनाओं के प्रति आपको वितृष्णा हो, आपको गुस्सा पैदा आए, फिर आप बदलने की सोचते हैं। इन कहानियों का सबसे पॉजिटिव जो रोल है वो ये है। महिला आयोग के अध्यक्ष ने जो कहा, आप इसको इस तरीके से लें कि जो साहित्य होता है वो समाज का दर्पण होता है। कोई भी चीज़ जो समाज में घट रही होती है चीज़ें, उसको हम आईना दिखाते हैं। आईना दिखाने का मतलब ये है कि हम ये नहीं चाहते कि उससे समाज बदल जाए, लेकिन समाज के अंदर एक सोच पैदा हो, इंसान ये सोचने को मजबूर हो जाए कि ऐसे क्यों। और ये मतलब सोच होना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए। अगर आप सोचेंगे नहीं तो आप करेंगे। तो साहित्य पहला, जो साहित्य के हिसाब से अगर देखें, पहला चीज़ ये है कि इसमें हम समाज के दृष्टिकोण को सामने लाते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि लोगों के अंदर एक गुस्सा पैदा होता है, गुस्सा इस बात का कि समाज में जो चीज़ें चल रही हैं वो ठीक नहीं है, उसको हमें बदलना है। ये इस किताब का पर्पस है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं सफल हुआ हूँ, क्योंकि जो भी लोग पढ़ते हैं वो उद्वेलित होते हैं, वो मेरे सामने ये कहते हैं कि हाँ ऐसी चीज़ें हो रही हैं और बहुत गुस्सा आता है। तो ये गुस्सा जो है यही मुझे बड़ी सफलता नज़र आती है। क्या तो आने वाले दिनों में आपका इनिशिएटिव रहेगा, किन इशूज को आप फोकस करेंगे, उन समाज को जोड़ के आप जो काम कर रहे हैं, बहुत सारी बुराइयाँ कुरीतियाँ हैं, बहुत सारी कमियाँ हैं, सरकारी संगठन लगे हुए, आपकी लेखन शैली के जरिए इसमें क्या इशूज आने वाले हैं? मैं अपने लेखन के ज़रिए कुछ इश्यूज़ को उठाना चाहता हूँ। मसलन जो समस्याएं आप देख लीजिए, आमिर खान के शो सत्यमेव जयते में भी तमाम रियल इश्यूज़ को उठाया गया, लेकिन मैं उसको उस लेवल पे नहीं उठाना चाहूँगा, बल्कि मैं थोड़ा फिक्शनलाइज इसलिए करता हूँ क्योंकि उससे देखने का नज़रिया बदलता है। आप एक ही चीज़ को महसूस करते हैं, फील करते हैं, लेकिन आप उसको देखते हैं अलग दृष्टिकोण से। मेरी कहानी है काश मेरे साथ में बलात्कार होता, पढ़कर आपको अजीब सा लग सकता है कि भाई ये कौन सी चीज़ है, क्या पॉजिटिव है, लेकिन आप जब पढ़ेंगे तो आपको गुस्सा आएगा। जो पात्र, जो किरदार कहता है उस पर गुस्सा नहीं आएगा, बल्कि उनके भोलेपन पे आएगा, अपने समाज पे आएगा, और उनको आप बड़ी ही मासूमियत से देखेंगे। तो ये इस कहानी का दायरा है, और इस कहानी के पीछे जो मेरी सोच है, जो मेरा नज़रिया, वो ये है कि किसी भी घटना को देखने का जो नया दृष्टिकोण है वो सामने लाया जाए समाज के सामने। अपने अपनी जो अंतर्मन की जो मार्मिकता है, मासूमियत है, उनको किताबों के जरिए समाज के सामने रखा है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? लोग पढ़ें, देखें और महसूस करें, और उनके अंदर गुस्सा पैदा हो, मतलब मैं यही चाहता हूँ वो चुप ना बैठे, कहानी पढ़ करके अगर उनके अंदर गुस्सा आएगा तो मुझे अच्छा लगेगा।